Good morning, children. So hope you understand this lesson, lesson 9 of your English reader book, A Smart Girl. इसका explanation का video मैंने आपको send किया था, तो आपने इसको देख लिया होगा और आप ये समझ गए होंगे. So today, first of all, before starting the exercise, you write the hard word of this lesson. ये hard word आप इस lesson के लिखेंगे. तो first hard word क्या था? स्मार्ट, एस एम ए आर टी, स्मार्ट. स्मार्ट होता है बहुत अच्छे से दिखना, स्मार्ट दिखना, अच्छे से आंसर बोलना, अच्छे से चलना. पीपल, पीपल होते हैं लोग. शॉर्ट, शॉर्ट होता है छोटा, छोटा नाम था उसका लड़की का, शॉर्ट नेम. उसके बाद है ड्रेस, ड्रेस जो हम कपड़े पहनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेस बोलते हैं. नीट, नीट होता है साफ सुथरा. वेयरिंग, वेयरिंग होता है पहनना. शर्ट, शर्ट होती है कमीज, इसको ऊपर जो वाइट कलर की पहननी है उसको बोलते हैं शर्ट. स्कर्ट, स्कर्ट होती है नीचे की, इसको हम बोलते हैं स्कर्ट. ये शर्ट और ये स्कर्ट, और यहाँ पे लगाते हैं बीच में बेल्ट. बेल्ट जब स्कूल जाते हैं हम, तो शर्ट, स्कर्ट, बेल्ट ये सब पहनते हैं. शूज, सॉक्स. आगे है सॉक्स, सॉक्स होती है जुराबे. शूज, शूज हम बोलते हैं जूते को. रिबन, रिबन जो बालों में लगाते हैं. टाई, टाई गले में जिसे पहनते हैं उसको बोलते हैं टाई. और नीट, नीट होता है साफ, साफ सुथरा. नीट दो बार हो गया, इधर भी नीट एक बार लिख दिया था, कोई बात नहीं. तो ये हार्ड वर्ड आप इस सबको दो बार लिखेंगे और इनका स्पेलिंग को लर्न करेंगे, ठीक है? सो आफ्टर राइटिंग द हार्ड वर्ड यू विल डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन है वेयर इज तरुणा गोइंग. वेयर इज तरुणा गोइंग. तरुणा एक गर्ल है जो स्मार्ट गर्ल है, इसका नाम तरुणा है. तो वेयर शी इज गोइंग, तो तरुणा इज गोइंग टू हर स्कूल. She is going to her school. तरुणा कहाँ जा रही है? अपने स्कूल जा रही है. तो यहाँ इसका आंसर लिखेंगे तरुणा इज गोइंग टू हर स्कूल. नेक्स्ट है वट इज हर शॉर्ट नेम. उसका शॉर्ट नेम क्या है? हर शॉर्ट नेम इज तरुण. पीपल कॉल हर तरुण फॉर शॉर्ट. शॉर्ट होता है उसका छोटा नाम, प्यार से उसको छोटा नाम तरुणा नहीं बोल के क्या बोलते हैं? तरुण बोलते हैं. तो हर शॉर्ट नेम इज तरुण. नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज शी वियरिंग. वट इज शी वियरिंग, क्या पहना हुआ है उसने? तो उसने क्या पहना हुआ है? शी इज वियरिंग अ ड्रेस. उसने क्या पहनी है? ड्रेस. तो यहाँ लिखेंगे शी इज वियरिंग अ ड्रेस. ओके, इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन आंसर आपकी कॉपी में लिखे हैं. हर शॉर्ट नेम इज तरुण एंड वट शी इज वियरिंग, शी इज वियरिंग ए ड्रेस भी लिख सकते हो, शर्ट, स्कर्ट एंड अ बेल्ट. उसने क्या पहना है? शी इज वेयरिंग ए शर्ट, स्कर्ट एंड अ बेल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इन हर हेयर. उसके बालों में क्या है? व्हाट इज इन हर हेयर. सो देयर इज ए रिबन इन हर हेयर. उसके बालों में क्या है? एक रिबन लगा हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कलर इज हर स्कर्ट. वट इज द कलर ऑफ हर स्कर्ट. उसकी स्कर्ट का कौन सा कलर है? द कलर ऑफ हर स्कर्ट इज ब्लू. तो हर स्कर्ट कलर इज ब्लू. उसकी स्कर्ट का कलर कौन सा है? ब्लू है, ठीक है. तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया. नेक्स्ट आप करेंगे मैच द फॉलोइंग. दूसरा एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग. तो इसमें फर्स्ट में ए कॉलम है और ये बी है, दोनों को आपको मैच इट करना है. पहले है तरुणा इज ए स्मार्ट. तरुणा इज ए स्मार्ट गर्ल. तो ये चला जाएगा गर्ल के पार्ट. तरुणा एक स्मार्ट गर्ल है, लड़की है. पीपल कॉल हर, लोग उसको क्या बोलते हैं? बैट बोलते हैं, नहीं रेड भी नहीं, रिबन भी नहीं, तरुण. पीपल कॉल हर तरुण इन शॉर्ट. शॉर्ट में लोग उसको क्या बुलाते हैं? तरुण. तरुणा इज वियरिंग अ शर्ट, अ स्कर्ट एंड अ बेल्ट. तरुणा ने क्या पहना है? शर्ट, स्कर्ट और बेल्ट पहना है. तो ये बेल्ट के पास चला जाएगा, ठीक है.
इन हर हेयर देयर इज ए रिबन. उसके बालों में क्या लगा है? रिबन. तो ये रिबन के साथ मैच हो जाएगा, रिबन. द कलर ऑफ तरुणाज बेल्ट इज, तरुणा की बेल्ट का कलर कौन सा है? रेड. द कलर ऑफ तरुणाज बेल्ट इज रेड. उसकी बेल्ट का कलर रेड है. तो ये एक्सरसाइज भी हो गया. इसके बाद है टिक द करेक्ट आंसर. आपको जो राइट आंसर होगा उसके आगे क्या करना है? राइट टिक करना है. हु इज गोइंग टू स्कूल? हु इज गोइंग टू स्कूल? तरुणा और मीना. तो आप ये पूरे लेसन में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तरुणा के बारे में पढ़ रहे हैं. मीना तो यहाँ है ही नहीं है, तो ये राइट हो गया. व्हाट इज अराउंड तरुणाज नेक? तरुणा के नेक में क्या है? रोप एक टाई है. रोप होती है रस्सी, रस्सा तो है नहीं है, तो क्या है तरुणा के नेक में? टाई है. व्हाट इज द कलर ऑफ तरुणाज शूज? तरुणा के शूज का कौन सा कलर है? देख लो यहाँ से, हर शूज कलर इज ब्लैक. सॉक्स व्हाइट है और शूज कौन सा है? ब्लैक. तो ये भी हमारा हो गया. नाउ राइट यस एंड नो. तरुणा इज ए स्मार्ट गर्ल. तरुणा स्मार्ट गर्ल है ना, अपने लेसन में पढ़ा है. तरुणा इज ए स्मार्ट गर्ल, यस. तरुणा इज ए स्मार्ट गर्ल, यस. नेक्स्ट है शी इज गोइंग टू हर स्कूल. ये भी यस है, वो स्कूल जा रही थी तरुणा. शी इज गोइंग टू हर स्कूल. शी इज वेयरिंग अ फ्रॉक फॉर स्कूल. उसने फ्रॉक पहनी है? नहीं, शी इज वेयरिंग ए शर्ट स्कर्ट एंड बेल्ट. तो इसका आंसर आएगा नो, उसने फ्रॉक नहीं पहनी है. उसने क्या पहना है? स्कर्ट है, शर्ट है, शूज है. ओके, नेक्स्ट है शी इज वेयरिंग सैंडल. उसने सैंडल पहने हैं? नो, शी इज वेयरिंग ए ब्लैक शूज पहने हैं. तो इसका आंसर भी नो होगा, उसने सैंडल नहीं पहने हैं. हर रिबन इज ऑफ रेड कलर. यस, उसका रिबन कौन से कलर का है? यस, हर रिबन इज रेड इन कलर. तो यहाँ पे आ जाएगा यस, हर रिबन इज रेड इन कलर. नेक्स्ट है शी लुक्स अगली इन हर स्कूल ड्रेस. अगली होता है गंदा, भद्दा. वो क्या अगली दिख रही है, गंदी दिख रही है? नो, शी लुक्स स्मार्ट. तो ये भी है नो, और लेसन का नाम ही है स्मार्ट गर्ल. ओके, तो इस तरह से इस लेसन के ये एक्सरसाइज हो गए. तो आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज. उसके बाद यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जिनके आपको स्पेलिंग कंप्लीट करनी है. तो आप इन पिक्चर्स को अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे और इनकी स्पेलिंग को क्या करेंगे. तो आपने अगर हार्ड वर्ड याद कर लिए होंगे तो आप इनका स्पेलिंग को फिल कर सकते हैं. तो यह सॉक्स, एस ओ सी के एस, सॉक्स. यह शूज, शूज का स्पेलिंग क्या होता है? एस एच ओ ई एस, शूज. नेक्स्ट है टाई, टी आई ई टाई, ये टाई है. नेक्स्ट आप इसको देखेंगे, ये क्या है? शर्ट, एस एच आई आर टी, शर्ट. इन सब का स्पेलिंग आप लर्न करेंगे. आ गया फ्रॉक, एफ आर ओ सी के, फ्रॉक. ये फ्रॉक की पिक्चर है. अब यहाँ पे ये है ग्लव्स, ग्लव्स जो हाथ में ठंड से बचने के लिए ग्लव्स पहनते हैं. तो जी एल ओ वी ई एस, ग्लव्स. सो ओके चिल्ड्रन, ये इस लेसन का पूरा एक्सरसाइज हो गया है. ग्रामर पोर्शन हम बाद में करेंगे.